नाम आलोक मिश्रा है, मैं बनारस से आया हूँ यूपी से, और मैं तो पहली बार बर्फ़ देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा देख के और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी एंजॉय किया यहाँ आके, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का, और दोबारा आने की कितनी इच्छा है, इस बार परिवार संग आऊँगा ज़रूर। कुद तो उपर ही पे ना, कुद थले कुद देखो ना, ढाड़े पे हाँ नाम आलोक मिश्रा है, मैं बनारस आया हूँ यूपी से, और मैं तो पहली बार बर्फ़ देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा देख के और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी एंजॉय किया यहाँ आके, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का, और दोबारा आने की कितनी इच्छा है, इस बार परिवार संग आऊँगा ज़रूर। नमस्कार भैया, मेरा नाम शक्ति सिंह, मैं वाराणसी काशी से हूँ, महादेव की नगरी। पहली बार नहीं है, दूसरी बार आया हूँ। पहली बार भी आया था, अच्छा लगा था, लेकिन इस बार का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इतना स्नोफॉल जो है पिछली बार हमने देखा नहीं था, ऑलरेडी पहले से गिरी पड़ी हुई थी, लेकिन ये लाइव स्नोफॉल हम लोग देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा पटनी टॉप में आकर के। क्या कहना है सारे पर्यटक से, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, आप लोग घूमने के लिए यहाँ आए, और यहाँ इतने अच्छे लोग हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं और आपका साथ भी बटाते हैं। मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है, मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ। पहले तो सबको जय माता दी, जय श्री राम। ठीक है, एक महीने से सर, हम दो महीने से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, बड़े मजूस हो गए थे कि बर्फ नहीं गिर रही थी, लेकिन आज जो है पत्नीटॉप सफेद चादर की तरह हो चुका है, और ये नज़ारा हमारे टूरिस्ट जो यहाँ पे आना चाहते थे उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि वो आए और इस चीज का नज़ारा लें, नहीं क्योंकि इतने पैसे खर्च करके टूरिस्ट जो है वो आ रहा है, उसको जो बर्फ नहीं दिख रही है उससे उसका मन बहुत उदास हो रहा है, लेकिन अब उदासी दूर हो गई, पत्नीटॉप हमारा फूल की तरह खिल गया है, कमल का बाइट फूल हो गया पूरा। तो मैं माता रानी वैष्णो देवी में भी आने वाले भक्तों से अनुरोध करता हूं कि हर जो पर्यटक है, यात्री हमारा